मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट उत्तर विधानसभा से आतिफ अकील को कांग्रेस ने टिकट दिया है। आइए हम उससे बात करते हैं। जी जब आप जनसंपर्क जा रहे हैं, लोगों को कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? जैसे मेरे पिता को लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और हर वर्ग के लोग सपोर्ट करते हैं, वैसे ही मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और क्षेत्र के अलग अलग इलाकों के अंदर भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। हर इलाके में कांग्रेस हर बूथ से जीतेगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके पिता 6 बार से विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ विकास करेंगे? देखिए, पुराने शहर की जो प्राथमिकताएं हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो बिगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार ने एक बल्क अमाउंट के अंदर जो बजट लगेगा पुराने शहर के लिए, उसके लिए बहुत सौतेला व्यवहार करा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 2008 के आसपास उन्होंने सीट को गोद ले लिया था। गोद लेने के बाद उन्होंने क्षेत्र के अंदर कोई विकास नहीं करा। अब यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा जी, वो बताएं, पुराने शहर के लिए जब जहाँ से उन्होंने सियासत की ABCD सीखी, उन्होंने पुराने शहर के लिए क्या करा? मेरे वालिद के तो बहुत सारे काम दिखते हैं और क्षेत्र की जनता बता सकती है कि उन्होंने बहुत सारे इलाकों में काम कराए। अपने प्रतिद्वंदी को कितना चुनौती मानते हैं आप? देखिए, जनता ने, आवाम ने मेरे फादर को इलेक्शन लड़ाया है हमेशा, और मुझे भी जनता ही लड़ा रही है, और मालिक ने चाहा तो जनता हमेशा जीतती है और जीतती रहेगी। वहीं अगर हम बात करें तो आपके चाचा भी आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, कितनी चुनौती मानते हैं आप उनको? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि कांग्रेस के सभी जो लोग हैं सब साथ हैं और सब परिवार है। हम लोगों का कांग्रेस परिवार है, सब लोग साथ हैं। चाचा मेरे बड़े, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तो अगर बात करें, अगर आप कह रहे हैं कि चाचा बड़े हैं, कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन चुनाव मेरे सामने है, कैसे कैसी चुनौती देखेंगे? देखिए, इलेक्शन जो है, अगर देखा जाए तो सबसे अहम चीज़ यह है कि 230 सीटों में दो पार्टियां सबसे अहम है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। तो इन दोनों पार्टियों को बहुत अहम माना जाता है और इन्हीं के अंदर डिसीजन होता है, और ये कांग्रेस का गढ़ है, जनाब आरिफ अकील साहब का गढ़ है, उनका मेरे पास आशीर्वाद है और कांग्रेस 110% इस विधानसभा से जीतेगी। तो अगर कांग्रेस जीतती है तो आप सबसे पहले क्या कुछ कार्य करेंगे यहाँ पर विकास के लिए? देखिए, पुराने शहर के अंदर मैंने आपको बताया था अभी कि पुराने शहर के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर विकास नहीं हुआ, उन इलाकों को हम विकसित करेंगे, क्योंकि हमें बल्क अमाउंट में बजट चाहिए। अगर हमारी विधायक नीति 2.5 करोड़ रुपये, तो हमें क्षेत्र के अंदर और भी रोज़मर्रा के जो काम है उसके लिए सुविधाओं के लिए हम काम करते हैं, लेकिन हमें क्षेत्र को विकसित करने के लिए तो हमें बल्क अमाउंट में जो बजट लगता है वो लगेगा। और CM साहब को चाहिए था कि उनको पहले दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ये जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनसे हम भी पूछना चाहेंगे कि उन्होंने क्यों नहीं लाए, वो महापौर थे, यहाँ इस क्षेत्र से हमेशा सियासत करी उन्होंने, हर बार गुरु बन जाते हैं वो, 2008 में चुनाव हार चुके हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये कि उनकी नीयत में ही काम, नीयत ही नहीं है काम करने का, और मेरे फादर ने तो बहुत सारे काम करे क्षेत्र के अंदर, अस्पताल बनवाए, शादी हॉल्स बनवाए, कमेटी हॉल बनवाए, क्यों बनवाए, लोगों की सुविधाओं के लिए 400 बोर कराए उन्होंने। क्या CM साहब की विधानसभा के अंदर 400 बोर हैं? उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो लोगों की मूलभूत समस्याएं, उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते जाएंगे। और जब विकसित करने की बात आई क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो हम इस क्षेत्र को और ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आतिफ अकील, इनका कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वह अपने क्षेत्र में जो बचे हुए कार्य हैं वो करेंगे। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।